बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है मीठे पराठे की रेसिपी। इसके लिए घी लेंगे, देसी घी, शुगर 2 से 2.5 चम्मच और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। आटा गूंदा हुआ होता है जो नॉर्मल, हम उसी से बना लेंगे। रोटी वाला आटा सादा प्लेन गूंदा हुआ है। इसमें से एक पेड़ा तोड़ेंगे, राउंड शेप देंगे इसको, अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। गोल करने के बाद इसको फ्लैट करेंगे। थोड़ा सा फ्लैट करने के बाद हम इसकी अब चंगेरी बना लेंगे। चंगेरी बनाते वक्त किनारे इसके पतले और सेंटर से थोड़ा मोटा करते जाएंगे, किनारों को पतला करते जाएंगे ताकि रोटी अच्छी मिले। अच्छी तरह चंगेरी बनाने के बाद अब इसको सेंटर से फ्लैट कर लेंगे। इसके बाद रोलिंग पिन की मदद से इसको फैलाकर बड़ी एक रोटी बना लेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं। चारों तरफ से इवन बेल लेंगे इसको। अच्छी तरह बेलने के बाद अब इस पे हम 1 टेबल स्पून देसी घी स्लाइटली मेल्टेड डालेंगे। घी डालने के बाद 2 से 2.5 या 3 टेबल स्पून शुगर फैला देंगे। शुगर डालने के बाद इसके शुगर के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए 1 पिंच ऑफ सॉल्ट छिड़क देंगे इसके ऊपर। हाथों की मदद से इसको पूरी में इवन कर लेंगे ताकि जो घी है वो भी सारे में लग जाए। फोल्ड करेंगे इस तरह और इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। इस तरह रोल बनाने के बाद इसको हाथों से थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये स्ट्रेट लाइन सी एक बन गई है रोल की। इसके बाद इसको हम स्पाइरल शेप में घुमा लेंगे। स्पाइरल शेप देके इसका पेड़ा तैयार हो गया है। इसको 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे। फ्लैट करने के बाद इसकी चंगेरी बनाएंगे। चंगेरी थोड़ी एहतियात से बनाएंगे ताकि ये टूट ना जाए। इसकी चंगेरी भी बिल्कुल सादी रोटी की तरह फैलाए बनाएंगे और उसी तरह इसको फ्लैट कर लेंगे। बीच में से दबाएंगे। अब इसको रोलिंग पिन की मदद से गोलाई में बेल लेंगे। तवा हमने पहले से चूल्हे पर गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इसको बेलने के बाद अब हम अच्छे से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। स्लाइटली रोटी के मुकाबले में थोड़ा मोटा बेलेंगे इसको। और जो तवा पहले से प्री हीटेड है, प्लेन तवा, उस पर डालेंगे। गरम तवे पे हमेशा पराठा डालना चाहिए, ठंडे पर ख़राब हो जाता है, इसलिए पहले से तवे को गरम कर लें। ये गरम हो गया है, अब इसके ऊपर हम पराठा फैला देंगे। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब इस पर थोड़ी सिकाई के से निशान आने लगेंगे तो इसको पलट देंगे। सूखा सूखा सा निशान नज़र आ रहा है, अब इसको पलट लेंगे। थोड़ा सा सेक कर इसको घुमा घुमा कर थोड़ा सा सेक लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से अब ये सिकाई आ चुकी है। अब इस पर घी लगाएंगे। 2 चम्मच घी डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बहुत टेस्टी पराठा बनता है ये, और चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। मीठे अंडे के साथ भी खा सकते हैं। अच्छे से सेकेंगे इसको। खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेके आएंगे इसके ऊपर।
पीछे से घुमा घुमा के इसको फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म मीठा पराठा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।